गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू द सेम लेसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प। इन अक्टूबर 1853, दिस इज द टाइम जोन इन मे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1853 एंड द मंथ इज अक्टूबर मे। The Crimea War broke out. Crimea is a place and war, युद्ध। क्रीमिया का युद्ध broke out, भी टू यूज़ किया गया है, मतलब छिड़ गया। क्रीमिया में युद्ध छिड़ गया। क्रीमिया प्लेस, युद्ध का नाम है बिटवीन। दो कंट्रीज़ के बीच में जब भी कुछ होगा, दो के बीच में होगा, तो बिटवीन प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं। बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, इंग्लैंड और रशिया के बीच में क्रीमिया में वार छिड़ गया। ब्रिटिश आर्मी वाज सेंट, ब्रिटिश की जो आर्मी थी उनको भेजा गया था। वाज और सेंट है, वाज प्लस भीतरी यूज किया गया है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। द ब्रिटिश आर्मी वाज सेंट टू फाइट, टू फाइट इन्फिनिटिव है, इन क्रीमिया, इन साउथ ऑफ रशिया। ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया था वाज सेंट, भेजा गया था टू फाइट, लड़ने के लिए, इन क्रीमिया, क्रीमिया में, इन साउथ ऑफ रशिया, साउथ ऑफ रशिया, रशिया के दक्षिण में। ओन ए विक्ट्री ऑलमोस्ट स्ट्रेट वे, और ओन अ विक्ट्री, जीता, क्या, विजय, ऑलमोस्ट, लगभग, स्ट्रेट वे, सीधे तरीका से, कौन, तो रशिया। रशिया के बाद कोमा दिया गया है, और कोमा के बाद फिर डिस्क्रिप्शन दिया गया, मतलब रशिया ही इसमें विजय हुआ था। पीपुल एट होम वर थ्रिल्ड, घर पर, यानी कि उस देश में के लोग काफ़ी वहाँ उत्साहित थे, थ्रिल्ड थे। दिस न्यू वॉर इन अ फार वे लैंड वॉज लाइक एन एक्साइटिंग गेम, फुल स्टॉप। दिस न्यू वॉर, यह नया युद्ध, इन अ फार वे लैंड, बहुत दूर के जगह में, जमीन में, स्थान में, वॉज लाइक एन एक्साइटिंग गेम। तो दिस न्यू वार इन ए फार वे लैंड, ये मेरा टोटल सब्जेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाज लाइक एन एक्साइटिंग गेम, जो काफ़ी एक्साइटिंग था, मतलब जोश से भरा हुआ खेल था, खेल के जैसा था, खेल था नहीं, खेल के जैसा था, लाइक था। एक्साइटिंग मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और नाउन मेरा गेम है। बट देन, लेकिन तभी, डिस्टर्बिंग न्यूज़ बिगेन टू गेट थ्रू, लेकिन तभी, बट देन, डिस्टर्बिंग न्यूज़, लेकिन तभी, डिस्टर्बिंग न्यूज़, परेशान कर देने वाली खबरें, बिगेन टू गेट थ्रू, प्राप्त होने लगी, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि मिलने लगी। बिगेन टू गेट थ्रू, प्राप्त होने लगी, गेट थ्रू मतलब मिलना या पहुँचना। Wounded soldiers, जख्मी soldiers, यहाँ WOUNED past tense तो लिखा हुआ है, लेकिन यह verb नहीं है, past participle है, जो past participle adjective का भी काम करता है। Wounded soldiers, soldiers के लिए qualify कर रहा है कि जख्मी soldiers were, ये plural है, इसलिए plural verb गया। In pain, दर्द में थे, कठिनाई में थे, and living under terrible conditions, और living, रह रहे थे, verb plus ing, एज ए जिरांड यूज़ किया गया है। अंडर टेरिबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय कंडीशन में रह रहे थे। फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज आक्स्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज आक्स्ड, उनसे कहा गया, वॉज प्लस भीतरी, पैसिव वॉइस का ही किया गया है, टू हेल्प, मदद के लिए, टू हेल्प इन्फिनिटिव, मदद के लिए क्या कहा गया। एंड इन द ऑटम ऑफ 1854, एंड इन द ऑटम ऑफ 1854 शी सेल्ड फॉर क्रीमिया विथ ए पार्टी ऑफ 38 अदर नर्सेस, और 1854 में सी वे क्रीमिया के लिए सेल कर गई, यानी कि जहाज से, पानी वाले जहाज से चल पड़ी, और उनके पार्टी में, ग्रुप में कितनी थी, 38 अदर नर्सेस भी थी। द हॉस्पिटल वॉज क्रम्बलिंग ओल्ड बिल्डिंग, हॉस्पिटल था कैसा, टूटा फूटा ओल्ड बिल्डिंग, पुराना भवन था, ठीक है। तो हॉस्पिटल, और इस तरफ वाला ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया।
मिस नाइटिंगल अराइव्ड, मिस नाइटिंगल पहुंची, वी टू का यूज किया गया है, विथ हर नर्सेस, अपनी नर्सों के साथ वहां पहुंची, कौन, मिस नाइटिंगल, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, द प्लेस, उस जगह को, क्रैम्ड विथ मेन, क्रैम्ड विथ मतलब छोटे से जगह में जरूरत से ज्यादा आदमियों को रखा गया था, इसलिए वे उस प्लेस को पता लगाने के लिए पहुंची जहां पर लोगों को छोटे से कमरे में बहुत सारा, बहुत ज़्यादा उसके कैपेसिटी से अधिक आदमियों को रखा गया था, मैन वर रिसेंटली वुंडेड इन द बैटल, और कैसे आदमी थे जो अभी अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में उस युद्ध में मैन जख्मी हुए थे, मैनी वर लेइंग ऑन द ब्लड स्टेन्ड फ्लोर, मैनी वर उसमें से बहुत, वर लेइंग लेटे हुए थे, लेट रहे थे नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर लेइंग नाउन का काम कर रहा है, जिरांड यूज किया गया, पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए है ऐसा, मेनी, मेनी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, मेनी वर ये मेनी प्रोनाउन का यूज किया गया है, मेनी वर लेइंग, बहुत सारे लोग लेटे हुए थे, कहाँ, ऑन, प्रीपोजिशन लगाया गया है, ब्लड स्टेंड फ्लोर, खून से पथाया हुआ जो फ्लोर था, जमीन था, वहाँ पर लेटे हुए थे, बिकॉज देयर वर नॉट एनफ बेड्स, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक बेड की सुविधा नहीं था, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ एवरी थिंग इंक्लूडिंग बैंडेज, मेडिसिन, ब्लैंकेट्स, इवन सोप, एंड द वार्ड्स वर रैट इन्फेस्टेड, There was dirty everywhere. Many were laying, बहुत सारे लेटे हुए थे, on the blood stained, खून के धब्बों से लथपथ, यानी कि फ्लोर, जमीन में खून के धब्बे पड़े हुए थे, उसी में लेटे हुए थे, because, क्योंकि there were not enough beds, वहां अधिक बिछौने नहीं थे, there was a shortage of everything, वहां पर कमी था, शॉर्टेज, कमी था, ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज का कमी था, देयर मेरा इंट्रोडक्टरी देयर हो रहा है, यहाँ पर देयर का कोई सेंटेंस में खास मीनिंग नहीं है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था, शॉर्टेज में क्या क्या शामिल था, बैंडेज शामिल था, पट्टी शामिल था, मेडिसिन था, ब्लैंकेट्स, कंपल था, इवन सोप, यहाँ तक कि साबुन का भी कमी था, एंड कंजेक्शन हो गया, द वार्ड्स वर रैट इन्फेस्टेड, और वार्ड्स जो थे चूहों के आक्रमण से, इन रैट इन्फेस्टेड मतलब वहाँ चूहों का ज़्यादा प्रभाव था, देयर वॉज डर्टी एवरीवेयर, देयर वॉज डर्टी एवरीवेयर, प्रत्येक जगह गंदगी थी, वंस अगेन फ्लोरेंस नाइटिंगल, वंस अगेन फिर से फ्लोरेंस नाइटिंगल कुड मेक गुड यूज ऑफ हर एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट, वंस अगेन फिर से, यानी कि पहले भी वो करती थी और इस बार भी कर रही है, फ्लोरेंस नाइटिंगल could make good use of her administrative talents, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव गुण था, उसका वो फिर से एक यूज करने का, प्रयोग करने का उनके पास एक अच्छा मौका था, टूगेदर विथ हर टीम सी सेट टू वर्क, टूगेदर साथ में, विथ हर टीम अपने टीम के साथ, सहयोगियों के साथ, She set to work, वह काम करने के लिए तैयार थी, सी मेरा हो गया सब्जेक्ट, और set to work, set मेरा verb हो रहा है, Her nurses scrubbed, उनकी nurse सहयोगियों ने scrubbed किया, रगड़ा, the wards, यानी कि hospital का छोटा सा कमरा, या जो कमरा होता है, उसको wards बोलते हैं, corridor, बरामदे को, एंड लेबोरेटोरीज यानी कि शौचालय को भी उन्होंने स्क्रब किया, रगड़ के साफ किया, सी रीऑर्गेनाइज द किचन एंड सेट द लॉन्ड्री, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया यानी कि पुनर्स्थापित किया किचन को, फिर से उनकी मरम्मती की, फिर से उसको सजाया संवारा, एंड सेट ए लॉन्ड्री, और कपड़ा धोने के लिए एक लॉन्ड्री बनवाया, फोर मंथ्स महीनों तक, देखिए कैसे लिख रहा है, फोर मंथ्स महीनों तक शी worked up to 20 hours a day, 4 months
महीनों तक सी वर्क्ड, वह काम करते रही 20 आवर्स 20 घंटों तक ए डे, एक दिन में। एंडिंग और डी डे, उनका एंड कैसे करता था, कोमा दे करके, फिर डे के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहा है। एंडिंग ईच डे, और प्रत्येक दिन की समाप्ति होती थी बाय विजिटिंग, जा करके द वुंडेड सोल्जर्स, यानी कि वुंडेड, जख्मी। वुंडेड यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सोल्जर्स को मॉडिफाई कर रहा है, सैनिकों को मॉडिफाई कर रहा है। सैनिक कैसे थे, जख्मी थे, उनको देख करके, विजिटिंग करके उसका दिन खत्म होता था। कैरिंग ए लैम्प, और कैरी करती थी ए लैम्प, एक लैम्प को कैरी करती थी। कैरिंग, कैरी तो होता है वर्ब, लेकिन वर्ब प्लस ing लगा करके इसको जीरांड बनाया गया है, और नाउन का काम कर रहा है। कैरिंग ए लैम्प, वो हाथ में ढोती थी ए लैम्प इन हर हैंड, अपने हाथ में। हैंस फोर्थ, तभी से, यानी कि हैंस फोर्थ, तभी से सी केम टू बी नोन, तभी से सी केम, उनको जाना, जाने लगा, पहचाना जाने लगा एज लेडी विद द लैम्प, उनको जाना जाने लगा। विद इन 6 months, 6 महीनों के अंदर, विद इन मेरा प्रीपोजिशन है, विद इन 6 months द रेट, डेथ रेट, मृत्यु की दर, एमंग हर पेशेंट्स, उनके मरीजों के बीच में, एमंग चूंकि पेशेंट्स बहुत है इसलिए एमंग लगाया गया है प्रीपोजिशन, हैड फॉलन, फॉलन कम हो गए थे, फ्रॉम 420 इन एवरी थाउजेंड, कैसे, इन एवरी थाउजेंड, प्रत्येक 1000 में, प्रत्येक 1000 में 420 लोग मरते थे टू ओनली 22। अब कितना हो गया था, प्रत्येक, पहले क्या था, जब वहाँ पर अनहाइजेनिक कंडीशन था वार्ड में, तो प्रत्येक 1000 में, एवरी थाउजेंड में 420 सोल्जर्स का डेथ होता था, और वो अब घट करके हो गया 22 ओनली, यानी कि 1000 में सिर्फ 22 लोगों की ही डेथ होती थी।